हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हमने इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑलरेडी हम इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उन वीडियोज़ को एक्सेस कर पाएंगे। ये है पार्ट 5। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। किस केस में ये कहा गया था कि जो प्रियम्बल है आपकी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका इन रे बेरुबारी केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा प्रियम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, इस केस को आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, इन री बेरुबारी एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर डैट द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये लास्ट वाले केस का जस्ट अपोजिट है। ये है आपका केशवानंद भारती केस। इस केस में ये कह दिया गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा ये कहा यह बहुत ही एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस रखती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और थर्ड ये कहा सिंस ये पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको हम अमेंड कर सकते हैं, कैन बी अमेंडेड बट विदाउट अल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बिना बेसिक स्ट्रक्चर को टच किए हुए हम इसको अमेंड कर सकते हैं, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पार्ट को अमेंड करते हैं। तो तीनों पॉइंट याद रखिएगा। केशवानंद भारती केस से कहा गया प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस रखती है। और सेकेंड ये कहा गया क्योंकि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का तो इसको हम अमेंड कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। दोस्तों, नेक्स्ट केस है आपका प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये किस केस में कहा गया है? ये आपका केशवानंद भारती केस। अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में सेम चीज़ डिस्कस की है। दोस्तों, नेक्स्ट केस है आपका प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इंटरप्रिटेड इन द लाइट ऑफ ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस इन द प्रियम्बल। यह ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल जस्टिस सीकरी ने दी थी। किस केस में दी थी? ये आपका केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। दोस्तों, गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के केस में किस जस्टिस ने ये रिमार्क किया था प्रियम्बल कंटेन्स इन अ नट सेल इट्स आइडियल्स एंड इंस्पिरेशन। ये थे आपके ऑनरेबल जस्टिस सुब्बा राव। गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ऑनरेबल जस्टिस सुब्बा राव ने यह कहा था प्रियम्बल है वो क्लियर रेप्लिका है आइडियल्स एंड इंस्पिरेशंस की। दोस्तों, नेक्स्ट केस है आपका इनमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया ट्रांसजेंडर पर्सन टू बी पर्सन ऑफ थर्ड जेंडर, यानी ट्रांसजेंडर पर्सन को एज अ थर्ड जेंडर किस केस में रिकॉग्नाइज किया गया? ये आपका फेमस केस नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये ऑब्जर्वेशन दी कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पर्सन है वेदर मेल और फीमेल शुड बी ट्रीटेड एज थर्ड जेंडर और उनके भी इक्वल राइट्स हैं जिन्हें प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, जैसे एक आम नागरिक के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है इंडिया में। इनमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क किया था सोशल मोरालिटी आल्सो चेंजेस फ्रॉम एज टू एज? सेम केस था आपका नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इनमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो ट्रांसजेंडर हैं वो फॉल करते हैं विद इन द कैटेगरी ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस? ये सेम केस था आपका नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन SR बम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फेडरल कैरेक्टर। SR बम्बई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी ओपिनियन यही थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। इनमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था राइट टू ट्रेड ऑन पावमेंट इज अ फंडामेंटल राइट? ये आपका फेमस सुडान सिंह वर्सेज न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी। दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया था कि जो हॉकर्स होते हैं वो उनका फंडामेंटल राइट है कि अपने ट्रेड और बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं सड़क के किनारे जो पट्टियां बनी होती हैं उस पे, बट ये जो राइट है इनका दैट इज़ सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन
अंडर आर्टिकल 19(6)। इनमें से किस केस को हम इन फेमस मंडल केस कहते हैं? ये है आपका इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। दोस्तों, इंदिरा साहनी के केस में काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी रिजर्वेशन को लेकर के। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनमें से दो पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बिल्कुल ध्यान रखने चाहिए। पहला वो ये है, रिजर्वेशन किसी भी कीमत पे 50% की लिमिट जो है, सेलिंग लिमिट है, उसे एक्सीड नहीं करना चाहिए। और ये भी कहा था साथ में, रिजर्वेशन इन प्रमोशन सेल नॉट बी अलाउड। ये दो पॉइंट इस केस के आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अदर पॉइंट्स को भी आप यहाँ से देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। इनमें से किस केस में ये कहा गया कि जो मैक्सिमम लिमिट है रिजर्वेशन की, कैन नॉट एक्सीड 50%? ये है आपका इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों, जो क्रीमी लेयर रूल है, एक्सक्लूडिंग द वेल प्लेस मेंबर ऑफ अ कास्ट फ्रॉम रिजर्वेशन, ये फर्स्ट टाइम किस केस में ऑब्जर्व किया गया था? ये आपका इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं एक ही केस से कितने तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमने सारी कोशिश की है कि आपको यहाँ पे मेंशन कर दें। इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन थी? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यही कहा था कि जो रिजर्वेशन है, कैन नॉट बी इन प्रमोशन। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इनमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो आधार है, नॉट ओनली गेव देम अ यूनिक आइडेंटिटी बट आल्सो अ लाइफ डिग्निटी? ये आपका जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। दोस्तों, के एस पुट्टास्वामी केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकल के आई थी। पहला तो ये है कि राइट टू प्राइवेसी है एज अ फंडामेंटल राइट इज नॉट लिमिटेड टू आर्टिकल 21 ओनली। ये पूरा कहीं ना कहीं सारे एम्बिट को टच करता है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ ये कहा, प्राइवेसी इज बोथ निगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। निगेटिव कॉन्सेप्ट इस सेंस में है कि स्टेट इन जनरल लाइफ और लिबर्टी को पर्सन के कर्टेल नहीं कर सकती। साथ ही साथ स्टेट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो पर्सन की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करेगा। दोस्तों, राइट टू प्राइवेसी, ये जो के एस पुट्टास्वामी जजमेंट है, उसके पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट आ चुके थे हमारे पास, लाइक एमपी शर्मा का है, मेनका गांधी केस है, खरक सिंह का केस है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे केस राइट टू प्राइवेसी से पहले से डील करते थे। के एस पुट्टास्वामी केस बाद में आया है आपका। जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है, जो आपका डिसाइड किया गया था कितने जजेस की बेंच थी। ये थी आपकी 9 जजेस की बेंच। विच केस डील्स विथ प्रोहिबिशन अगेंस्ट कॉजिंग पॉल्यूशन एंड डिसकम्फर्ट टू द पब्लिक ड्यू टू स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस? ये आपका फेमस केस मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का केस है ये। दोस्तों, इस केस में पब्लिक प्लेस पे जो स्मोकिंग होती है, उसको बैन करने की बात की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट को टू इशू ऑर्डर्स बैनिंग स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस, क्योंकि इससे बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है नॉन स्मोकर्स पे। जो स्मोक नहीं करते हैं, उन पे ये प्रतिकूल प्रभाव डालता है। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स डिसीजन। इट वॉज डिसाइडेड बाई द सुप्रीम कोर्ट इट सेल्फ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? ये है आपका बंगाल इम्यूनिटी को लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का केस। लॉ डिक्लेयर्ड बाई सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स सबॉर्डिनेट टू इट, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस की बात करता है। जो भी लॉ डिक्लेयर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो बाइंडिंग होता है ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। साथ ही साथ आप ये भी समझ लें कि एक हाई कोर्ट का जजमेंट दूसरे हाई कोर्ट के लिए परसुएसिव इफेक्ट रखता है, यानी अगर लेना चाहे दूसरा हाई कोर्ट उसको कंसिडरेशन में ले सकता है, बट बाइंडिंग फोर्स नहीं होता है। लेकिन एक हाई कोर्ट का जजमेंट उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट के लिए बाइंडिंग फोर्स रखता है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसके सारे सबॉर्डिनेट कोर्ट के लिए एक बाइंडिंग फोर्स रखता है। दोस्तों, इस डॉक्ट्रिन को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। दोस्तों, इनमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी
इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है आपका यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल का केस। दोस्तों, नवीन जिंदल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था, राइट टू अनफर्ल द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज को फहराना विथ डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट, हमारा एक मौलिक अधिकार है अंडर द आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट द सेम इज नॉट एब्सोल्यूट राइट सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 19(2) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमारे पास दो एक्ट हैं जो नेशनल फ्लैग के यूज को रेगुलेट करते हैं। पहला है आपका द इम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 का, और दूसरा है आपका प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का। ये दोनों ही एक्ट रेगुलेट करते हैं द यूज़ ऑफ नेशनल फ्लैग, इसे भी ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज नवीन जिंदल के केस में किस राइट को अपहेल्ड किया, वो है आपका राष्ट्रीय ध्वज को फहराना, यानी भारतीय ध्वज को उसकी गरिमा और सम्मान के साथ फहराना आपका मौलिक अधिकार है। ये इसी केस में कहा गया था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल के केस में। दोस्तों, ये था आज का हमारा पार्ट 5। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।